एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार हर भारतीय ने दशकों से किया था। भारत के हाथों लगी है काफी बड़ी सफलता। अमेरिका, रशिया और इजराइल, इन तमाम देशों के समर्थन के बाद आखिरकार अब भारत को यूएनएससी में जल्दी स्थायी सदस्यता मिलने वाली है। President Emmanuel Macron has supported India's bid for a permanent membership. भारत का डंका बजते देख बौखला गए चीन और पाकिस्तान। आखिर कौन सा है वो 50 देशों का गुट जिसका काम है यूएनएससी में भारत की पक्की सदस्यता को रोकना। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जीत इतनी भी आसान नहीं थी? इस जीत के पीछे कई ऐसे राज छिपे हुए हैं और कई ऐसे अहम फैसले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस जीत के लिए भारत ने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और ये जीत किन किन बड़ी ताकतों को परेशान कर रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब बातों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की इस जीत के पीछे की असली कहानी रूबरू कराने जा रहे हैं। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि भारत ने यूएनएससी की सीट के लिए जो 70 सालों से भी ज्यादा का संघर्ष किया है, वो सीट अब भारत से ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। भारत की इस जीत के पीछे कितनी कूटनीतिक चालें चली गई है और कैसे भारत ने इन चालों का जवाब दिया है, ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। कई देशों ने हर कदम पर भारत को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन अब भारत ने अपनी सूझबूझ से काफी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसकी वजह से कई सारे देश बुरे तरीके से बौखला गए। आपको बता दें कि हाल ही में यूएनएससी में विस्तार को तैयार हुए कोऑर्डिनेशन ने भारत के लिए यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो द्विपक्षीय बैठक करी, उस दौरान भारत के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई, क्योंकि व्हाइट हाउस द्वारा जारी संयुक्त तथ्य पत्र में कहा गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से ये साझा किया कि यूएसए यानी कि अमेरिका वैश्विक संस्थानों में सुधार की पहल का समर्थन करता है, ताकि भारत की महत्वपूर्ण आवाज को सही मंच मिल सके और उसमें भारत के लिए यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भी शामिल है। इसीलिए दोस्तों, खुशखबरी ये है कि अमेरिका ने भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए पूरा समर्थन दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व राजनीति में हर देश के अपने हित होते हैं और ये हित ही ये तय करते हैं कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन। और पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरीके से अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रूस और अमेरिका जो हमेशा से एक दूसरे के विरोधी ही रहे हैं, वो दोनों भी एक साथ भारत के समर्थन में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। भारत के प्रति रूस और अमेरिका दोनों देशों का ये समर्थन किसी चौंकाने वाले मोड़ से कम नहीं था। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि रूस और अमेरिका, ये दोनों के दोनों देश आपस में एक दूसरे के कितने ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। इन दोनों की दुश्मनी इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर अमेरिका कह दे कि ए सही है, तो रशिया ऐसा कहेगा कि ए नहीं बल्कि बी सही है। और इसी तरह अक्सर ये दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात भारत की आई, तो इन दोनों देशों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्योंकि जब भारत ने यूएनएससी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करी, तो इन दोनों देशों ने अपनी दुश्मनी भुला दी और दोनों ही देशों ने अपनी दुश्मनी को भुलाकर भारत के प्रति समर्थन दिखाया। इसीलिए ये नजारा देख पूरी दुनिया हैरान रह गई। और ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि भारत के दोनों ही देशों के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। पिछले महीने ही पीएम मोदी रशिया गए थे और इसके बाद हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका भी गए थे। और आपको बता दें कि रशिया और अमेरिका के अलावा इजराइल, सऊदी अरब, ईरान और जापान जैसे देशों ने भी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिखाया। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सबसे हैरानी वाली बात क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की ने भी इस मामले में भारत के प्रति समर्थन दिखाया और ये चीज भी काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि तुर्की वही देश है जो हर मामले में भारत का साथ ना देकर बल्कि पाकिस्तान और चाइना जैसे भारत के विरोधियों का साथ देता है। और जिन देशों ने इस मामले में भारत का समर्थन ना देके बल्कि विरोध किया है, उन देशों का नाम शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि वो देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान की, जो हर वक्त हमारे रास्ते में रोड़े अटकाते हुए नजर आते हैं। चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो हमेशा भारत के खिलाफ ही खड़े होते हैं, और हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने भारत के खिलाफ कई सारी चालें चली थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। क्योंकि जब भारत ने यूएनएससी में सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करी, तो चाइना ने हर वो पॉसिबल कोशिश करी कि किसी न किसी तरीके से वो भारत को रोक दे। इसीलिए चाइना और पाकिस्तान ने साथ मिलकर ऐसी योजनाएं भी बनाई जिनकी वजह से चाइना और पाकिस्तान ने कुछ देशों को अपने पक्ष में कर लिया और भारत के खिलाफ कर लिया। लेकिन अमेरिका, रशिया जैसे तमाम देशों के भारत के समर्थन में खड़े होने से चाइना और पाकिस्तान की वो सारी साजिशें मिट्टी में मिल गई। जब भारत की दावेदारी पेश की गई थी, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत के पुराने मित्र देश खुलकर भारत के समर्थन में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिन देशों से हमें समर्थन की पूरी उम्मीद थी, उन्होंने
आखिरी वक्त पर धोखा दे दिया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अफ्रीका के कुछ देश जिनका भारत ने हमेशा हर कदम पर समर्थन किया है, उन्होंने इस बार भारत के खिलाफ वोट कर दिया। इस मामले में चैड और कई सारे अफ्रीकी देशों ने भारत के खिलाफ वोटिंग करी थी, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने देशों का समर्थन न मिलने से भला हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि इसराइल, रूस, अमेरिका, जापान, इन जैसे तमाम कई देशों ने भारत का समर्थन किया है। और इसीलिए भारत की सफलता देखकर चीन और पाकिस्तान, इन दोनों देशों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई है। पाकिस्तान, जिसके पास ना खाने को आटा है ना बिजली है, जो चाइना की भीख पे पल रहा है, वो भारत की सफलता के बाद काफी ज्यादा बौखला गया है। पाकिस्तान के बड़े आतंकवादियों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। चाइना, जो हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादियों को बचाता रहता है, उसके भी बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि क्वाड देशों ने अपने संयुक्त बयान में सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट निंदा करी थी। क्वाड देशों ने अपने बयान में 26/11 मुंबई हमले और 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमले सहित कई सारे आतंकवादी हमलों की निंदा करी है और उसमें उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। दोस्तों, इसमें भारत को काफी बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि भारत को 200 में से 180 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला है, जो कि हमारे लिए काफी बड़ी सफलता और खुशखबरी की बात है। इसीलिए दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जय भारत जरूर लिखें। इसीलिए दोस्तों, ये बात तो साफ है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में जल्दी भारत को वीटो पावर मिलने वाली है। इतने बड़े समर्थन के बाद अभी के समय भारत वीटो पावर के काफी ज्यादा नजदीक आ गया है, और जल्दी भारत को वीटो पावर मिलने से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज जाएगा। जल्दी जब भारत को वीटो पावर मिल जाएगी, तो ऐसे में चाइना, जो अक्सर अपनी वीटो पावर का यूज करके भारत को आंख दिखाता है, उस चाइना की गर्मी भी शांत हो जाएगी। अगर भारत को जल्दी वीटो पावर मिल जाती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को उससे काफी बड़े फायदे होंगे, और साथ ही साथ अगर भारत के पास वीटो पावर आ गई, तो ऐसे में भारत इंटरनेशनल फैसलों में सीधा दखल दे सकता है। आतंकवाद, जिसमें पाकिस्तान या दूसरे पड़ोसी देशों का हाथ है, उससे लड़ने के लिए देश के पास काफी सारी ताकत आ जाएगी, और ऐसे में पूरी दुनिया में भारत का डंका बज जाएगा। इसीलिए दोस्तों, भारत को जो बड़ा समर्थन मिला है, वो भारत के लिए काफी बड़ी सफलता है, और इसीलिए भगवान से दुआ भी करिए कि जितना बढ़िया समर्थन भारत को मिला है, उसके बाद जल्द ही हमारे देश को वीटो पावर भी मिल जाए। इसीलिए दोस्तों, भारत के हाथों जो सफलता लगी है, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जय भारत भी जरूर लिखें। और अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी और पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी ज्यादा चौंकाने वाली खबरें आपके लिए लाने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।